देखिए 11th साइंस मैथमेटिक पार्ट 1 में से सेकंड चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 7 है, वह हम आज सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिए 2 cos square थीटा + 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, यह एक इक्वेशन में हमें cos थीटा की वैल्यू क्या है वह निकालनी है। ओके, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। पिछले साल 10th स्टैंडर्ड में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा सॉल्व करते हैं वह देखा है, तो उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 cos square थीटा + 3 cos थीटा, 2 इक्वल टू साइड के दूसरे बाजू में प्लस है, तो यहां आने के बाद -2 = 0, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। देखिए यहां 2 है, इधर 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, cos स्क्वायर थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो, और ये कांस्टेंट 2, 2 जा 4 हो गया। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन हमें 4 चाहिए, ऐसे नंबर कौन से हैं हमारे पास, 4 1 जा 4 और उसके साथ 2 जा 4, यह दो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आता है 4। ओके, और ये दो पेयर हमारे पास मिल चुके हैं, इन दो में से हमें एक ही पेयर सिलेक्ट करना है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो कौन सा कर लेगा, 2 से पहले माइनस है तो सबट्रैक्शन 3 आना होता है, किन दो नंबर्स का सबट्रैक्शन 3 आता है, 4 और 1 का, 4 माइनस 1 किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3, तो हम 4 cos थीटा और माइनस 1 cos थीटा लेंगे, तो यहां लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा + 4 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा बोले तो ओनली cos थीटा -2 = 0। अभी ये दो और ये दो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन निकलेंगे, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन निकल सकता है, तो अंदर क्या रहेगा, रह गया 2 तो बाहर है, cos स्क्वायर थीटा में से cos बाहर, तो ओनली रह गया cos थीटा + 2 2 जा 4 और cos थीटा आया है बाहर माइनस, इन दोनों में कोई हमें कॉमन नहीं दिखता तो हम क्या कॉमन निकल सकते हैं, 1 माइनस 1 कॉमन निकला तो अंदर क्या रहेगा, cos थीटा -2 है, -2 के हो गए +2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर के सब साइन चेंज होते हैं, इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये देखिए ये दो बार है cos थीटा +2, हम एक ही बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 cos थीटा -1, 2 cos थीटा -1 = 0, तो देखो cos थीटा +2 = 0 और 2 cos थीटा -1 = 0, देयरफॉर cos थीटा +2 है, इक्वल टू साइन के दूसरे बाजू में गए -2 हो गए, और यहां 2 cos थीटा -1 के +1, उसके बाद cos थीटा -1 जैसे ही वैसा 2 मल्टीप्लाई यहां आए डिवाइडेड बाय cos थीटा -1/2 वैल्यू रह सकती है, बट cos थीटा की वैल्यू -2 कभी नहीं रहती, तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू -2, तो हमारे पास आंसर आएगा cos थीटा = 1/2।